अग्निवास ज्ञान समस्त प्रकार के हवन पूजन में उपयोगी। कोई भी अनुष्ठान के पश्चात हवन करने का शास्त्रीय विधान है और हवन करने हेतु भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिसका अनुसरण करना अति आवश्यक है, अन्यथा अनुष्ठान का दुष्परिणाम भी आपको झेलना पड़ सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है हवन के दिन अग्नि के वास का पता करना, ताकि हवन का शुभ फल आपको प्राप्त हो सके। जिस दिन आपको हवन करना हो, उस दिन की तिथि और वार की संख्या को जोड़कर एक जमा अर्थात एक जोड़ करें, फिर कुल जोड़ को चार से भाग देवें अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वर्तमान तिथि तक गिनें तथा एक जोड़ें, रविवार से दिन गिनें, पुनः दोनों को जोड़कर चार का भाग दें। यदि शेष शून्य अथवा तीन बचें तो अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा और इस दिन होम करना कल्याणकारक होता है। यदि शेष दो बचें तो अग्नि का वास पाताल में होता है और इस दिन होम करने से धन का नुकसान होता है। यदि शेष एक बचे तो आकाश में अग्नि का वास होगा, इसमें हवन करने से होम करने से आयु का क्षय होता है, अतः यह आवश्यक है कि होम में अग्नि के वास का पता करने के बाद ही हवन करें।